सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में अमीर वर्ग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में उभरने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक वर्ग में अमीर वर्ग शामिल था। सामान्य तौर पर अमीरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सर्वोच्च श्रेणी में खान होते थे, उनके उपरांत मलिक और सबसे लास्ट में अमीर होते थे। लेकिन यह श्रेणीकरण या विभाजन कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं रहा। आरंभ में दरबार में या उसके आसपास छोटे पदों पर जो लोग मौजूद होते थे, जैसे सरजानदार जो सुल्तान की निजी सेना का सिपहसालार होता था, साकी ये खास जो पानी और अन्य पेय का प्रभारी होता था, आदि, और सिपहसालार तथा सार एक खेल जिसको हम लोग सरखेल के नाम से भी जानते हैं, जो सशस्त्र सेना का कनिष्ठ सिपहसालार होता था। ऐसे पदों पर जो लोग होते थे वे सामान्य रूप से अमीर कहलाते थे। आगे चलकर अमीर शब्द का प्रयोग प्रशासन में प्रभावपूर्ण और धनी व्यक्तियों को इंगित करने के लिए किया जाने लगा। मलिकों और खानों की श्रेणियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनी रहीं। सरकार के या प्रशासन के सभी शीर्ष पदों पर इन्हीं श्रेणी के लोग विराजमान होते थे। इतिहासकार मिन्हाज उस्सराज और इतिहासकार बरनी के द्वारा अमीरों की सूचियों में केवल मलिकों का ही उल्लेख किया मिलता है। खान श्रेणी मंगोल प्रभाव का परिणाम थी। मंगोलों के बीच 10,000 सैनिकों के सिपहसालार को का आन, जिसको हम लोग खान के नाम से जानते हैं, कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में खान शब्द का प्रयोग केवल विशेष हैसियत दर्शाने के लिए होता था। इस प्रकार बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की गई थी, जो उसको कुछ अलग और खास दिखाने के लिए हमको दिखाई देती है। अमीरों को ख्वाजा, जहां इमादुल मुल्क, निजामुल मुल्क आदि जैसी उपाधियां प्रदान करके उनकी शान बढ़ाई जाने का प्रयास किया जाता रहा। उन्हें विभिन्न प्रकार की पोशाकें, तलवार, कतार, झंडे, ढोल आदि जैसी सुविधाएं, जिनको सामूहिक रूप से मरातब कहते हैं, वो प्रदान किया जाता रहा। इनका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वे अक्सर विशेष हैसियत और सुल्तान के साथ निकटता को इंगित करती हैं। विशेष अवसरों पर उन्हें कीमती साजो सामान से लैस घोड़े और हाथी भी उपहार के तौर पे दिए जाते थे। किसी भी एक समय में पदाधिकारी अमीरों की संख्या के बारे में हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती। इतिहासकार मिन्हाज उस्सराज इल्तुतमिश के शासनकाल में 32 मलिकों की सूची उपलब्ध करवाते हैं, जिनमें से 8 तो विस्थापित मध्य एशियाई शासक ही थे। शायद बर्नी के द्वारा प्रयुक्त पद तुर्कान ए चहलकानी, जिसको हम लोग चालिक चालीसा या 40 तुर्कों का समूह भी के रूप में भी जानते हैं, शीर्ष अमीरों की संख्या को बताता है। बलबन के शासनकाल के लिए बर्नी ने 36 मलिकों की सूची उपलब्ध करवाई है, जिनमें काजियों का उल्लेख भी नहीं मिलता। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शीर्ष अमीरों की संख्या 48 बताई गई है, जिनमें से 7 सुल्तानों के पुत्रों समेत सगे संबंधी या रिश्तेदार रहे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद सल्तनत के अकस्मात विस्तार तक देश में शीर्ष अमीरों या मलिकों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसा कि हम देखते हैं, अमीरों के इस छोटे से समूह के भीतर भी भीषण गुटबाजी और संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में पारस्परिक संघर्ष, जाति, नस्ल आदि का विशेष योगदान रहा। तुर्क लोग खुद को अन्य जो बाकी के जो अमीर थे, जैसे ताजिक, खिलजी, अफगान, हिंदुस्तानी आदि से बेहतर मानते थे। तुर्कों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत ताजिकों को बाहर कर दिया और उच्च पदों पर वस्तुतः तुर्क एकाधिकार
स्थापित कर लिया। खिलजियों और तुगलकों के शासनकालों में भारतीय मुसलमानों ने मुख्यतया व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उन्नति की। फिर भी विदेशी रक्त अथवा किसी प्रसिद्ध विदेशी परिवार के वंशजों को काफ़ी सामाजिक महत्व और सम्मान मिलता रहा, जैसा कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता इस बात की पुष्टि भी करते हैं। उच्च अमीरों की सामाजिक उत्पत्ति के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरंभिक चरण में अमीरों के बीच बहुत अधिक सामाजिक उलटफेर हुआ और एक विस्तृत पृष्ठभूमि से लोग आए, जिनमें एक सैनिक समूह या जमीयत को आकर्षित करने और अपने पास बनाए रखने की क्षमता थी, अथवा जो सुल्तान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए, अच्छी किस्मत के कारण मलिक की हैसियत प्राप्त करने में सफल रहे। कई अमीरों ने वस्तुतः दासों के रूप में अपने जीवन को आरंभ किया और धीरे धीरे वे सामाजिक सोपान पर निरंतर ऊपर चढ़ते गए। अमीर तंत्र का यह विशिष्ट स्वरूप, जिसमें प्रवेश के लिए प्रतिबद्धताएं नहीं थी, राजवंशों के शीघ्र उत्थान और पतन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही। 13वीं सदी में यह परंपरा हमें विस्तृत रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार इस काल में शायद ही ऐसे परिवारों के बारे में सुनने को मिलता है जिनके सदस्य एक पीढ़ी से अधिक समय तक उच्च अमीरों के पद पर बने रहे हों। 14वीं सदी के दौरान खिलजियों और उसके बाद में तुगलकों, जिन्होंने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया, उनके उदय के साथ अमीर तंत्र का सामाजिक आधार और अधिक विस्तृत होता गया। उच्च पदों पर तुर्कों के एकाधिकार के भंग होने के साथ ही अमीर वर्ग में प्रवेश की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ती गईं। खिलजियों, अफगानों और हिंदुस्तानियों में बहुतों को अमीर वर्ग में शामिल कर लिया गया। साथ ही तुर्कों को निकालने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन प्रचलित धारणा के अनुसार यदि कोई अमीर अपनी शक्ति और पद से वंचित हो जाता था तो उस वंश के लोग या उसके वंशज उसी शान और शौकत और सामाजिक प्रतिष्ठा की परंपरा निभाते रहे, क्योंकि वे सोचते थे कि समय और अवसर आने पर वे अपनी पहले की स्थिति को ही प्राप्त कर पाएंगे। इन लोगों और उल्मा को अशरफ, जो शरीफ का बहुवचन होता है, यानी सम्मानित वर्ग समझा जाता था। समकालीन विचारधारा के अनुसार इन वर्गों के प्रति सरकार का विशेष दायित्व होता था। यह विशेष दायित्व रोजगार के संबंध में नहीं, बल्कि विधवाओं को पेंशन देने और उनकी अविवाहित पुत्रियों के विवाह के लिए धन प्रदान करने के संबंध में होता था। आमतौर पर कहा जाए तो अहले सैफ, मतलब अर्थात जो तलवारधारी व्यक्ति या सैनिक होते थे, और अहले कलम, जो विद्वान व्यक्ति होते थे, उनके बीच एक व्यापक विभाजन था। अहले कलम न्यायिक और धार्मिक पदों के लिए चुने जाते थे। उलेमा वर्ग भी इसी श्रेणी से आते थे। जब तक दुराग्रही सरदारों, मुकदमों और किसानों से भू राजस्व की उगाही के लिए प्रशासन को सैन्य बल का प्रयोग करते रहना पड़ा, तब तक अहल एक कलम को प्रशासन से अलग रखा गया। हालांकि अनुरोध किया जाता था कि वजीर को अहले कलम वर्ग का ही होना चाहिए। सामान्य तौर पर अमीर लोग अहले कलम को हे दृष्टि से देखते थे और उन्हें प्रशासनिक अथवा राजनीतिक कार्यों के लिए अयोग्य समझते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों के साथ समझौता कर लेने की काजी मुकिसुद्दीन की सलाह को अस्वीकार ही नहीं किया, अपितु सैनिक और राजनीतिक विषयों पर भी सलाह देने के लिए उसका उपहास भी किया, क्योंकि वह एक नवी संदा, मतलब लिपिक था और एक नवी संदा का पुत्र था। अशरफ वर्ग, जिसमें से अमीर वर्ग के लिए भर्ती होती थी, कि उनके उदय ने अमीर वर्ग को बहुत हद तक तो स्थायित्व प्रदान किया, लेकिन मुस्लिम समाज में स्तरीकरण को भी बढ़ाया।
अशरफ का प्रतिपक्षी वर्ग अजलाफ अर्थात कम असल था, जिसमें निम्न और अवर वर्गों के नागरिक और पेशेवर जैसे बुनकर, किसान और श्रमिक आते थे। अशरफ और अजलाफ वर्गों के बीच न केवल विवाह संबंध स्थापित होना अकल्पनीय था, बल्कि दोनों के बीच सामाजिक मेलजोल भी नहीं रहता था। हालांकि पश्चिमी और मध्य एशिया में मुसलमानों के बीच इस प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण रहा था, लेकिन भारत में आने के बाद मुसलमानों के बीच यह स्तरीकरण और भी अधिक दृढ़ और स्पष्ट हो गया। ऐसा शायद इस कारण था कि भारत में जन्म यानी जाति के आधार पर स्तरीकरण की दीर्घ परंपरा मौजूद रही। इस गहरे सामाजिक विभाजन से